अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ, ये एक ऐप है वन एक्स बेट, और इस पे जो है आप बेट किस तरह लगा सकते हैं, और ये एक ओरिजिनल ऐप है या फेक है या स्कैम है, और इसमें डिपॉजिट किस तरह करवाते हैं, और ये जो है सारी चीज़ें आपने आज यहाँ पे आपको बताता हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले जो है आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और रजिस्ट्रेशन मैंने की हुई है, और उसके बाद एक ऐप बनाई जाती है, इनकी एक ऐप है। तो इस वजह से जो है दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वन एक्स बेट जो है ये प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है, और गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद इस वजह से नहीं है, आपको पता है कि जो ऐप या जो कंपनी गूगल की वैल्यूज को बाईपास कर रही हो और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे काम ना कर रही हो, तो गूगल प्ले स्टोर उसे अपनी ऐप से और अपनी जो है बुक से जो है वो उसे खत्म कर देता है, हटा देता है। तो इस वजह से जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे इसकी ऐप को, तो आपको जो है ये वार्निंग देगा क्रोम, गूगल क्रोम, और कहेगा कि आपका जो है डाटा, अगर जिम्मेदार डाटा चोरी हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद ही होंगे, अदरवाइज जो है जो चीज भी है इसका जो है वो गूगल क्रोम या गूगल जिम्मेदार नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों, इसको आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल करें या ना करें। और इसके साथ जो है मैं ये शुरू करता हूँ कि ये वन एक्स बेट है क्या चीज और इसमें क्या होता है। ये दरअसल वन एक्स बेट में जो है जो ये एक वन एक्स बेट जो है ये एक ऐसी ऐप है, इसमें आप कम से कम पैसे भी लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी, कम से कम आप 8 रुपए लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी लाखों में चले जाएं, ये आपके सामने इसका जो है आ चुका है और ये सारा सिस्टम ओपन हो चुका है, ये ऐप ओपन हो चुकी है। इसमें जो है इसको जो सपोर्ट करते हैं वो 3-4 कंपनीज हैं और जो इसके इसको चला रही हैं, और 3-4 कंपनियों की इसके साथ रजिस्ट्रेशन है, और ये सबसे पहले आपसे अपनी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, और आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद ये प्रोमो कोड्स वगैरह होते हैं, ये अगर किसी के पास हो तो वो देना है, और इसके बाद जो है आपने आ जाना है गेम्स के ऊपर। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है स्क्रीन पे गेम्स वगैरह चल रही हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज है, मैं मिसाल के तौर पे क्रिकेट सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑप्शन आ गया जी, श्रीलंका सुपर नेशनल, बांग्लादेश, ढाका, इंडिया हाकिम, आईपीएल, पीएसएल, और इसमें जो है वो सारे मैचेस हो रहे होते हैं, ये जो काउंटी ये वो चीजें होती हैं वो सारे मैच, तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें ये इंडिया का है मेरे ख्याल में, अबाहानी लिमिटेड 0/0 और जो है रूपगंज टाइगर्स ये जो है 117 पे आउट हो चुके हैं, और अभी जो है मेरे ख्याल में अबाहानी लिमिटेड जो है वो खेलने वाली है, और ये बांग्लादेश और ढाका प्रीमियर लीग है जो हो रही है। इसमें ये देख लें, आपने ये लिखा हुआ है नीचे टीम विंस, और इसके नीचे लिखा हुआ है W1 और W2, ये W1 टीम जो है वो 1 है, W2 जो है वो टीम 2 है। अच्छा, इसके साथ ये जो 1/0/2 और 11 लिखा हुआ है, तो ये इसकी रन रेट है, ये जीतेगी या हारेगी। तो यहाँ पे सारे लोगों ने लगाया हुआ है W2 पे, ज्यादा लोगों ने लगाया हुआ है कि जी W2 ही जीतेगी। तो इस पे ये देखें, मैंने 11 पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये सारा बिट का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है 8 आ रही, 500 आ रही, 1250 आ रही। तो आप इसको यहाँ पे अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, अब इससे मैंने 8 रुपए लगाए हैं, तो नीचे पोटेंशियल विनिंग आ रहा है 88 रुपए। तो फ्रेंड्स, ये है कि अगर ये मैं टीम 2 पे जो है लगाता हूँ, और टीम 2 पे लगाने 8 रुपए लगाता हूँ, तो अगर वो टीम 2 जीत जाएगी आफ्टर मैच, 88 रुपए मुझे मिलेंगे। तो ये इसका एक ऑप्शन है, और इसको आप जो है ये जो साथ इसका ग्रीन बटन में आ रहा है बैट, तो आप इसको यहाँ से बैट के लिए सिलेक्ट भी कर सकते हैं और बैट लगा भी सकते हैं। तो दरअसल मेरी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में बैलेंस जो है वो 0 है, और इस वजह से ये जो है मेरी बैट नहीं लगेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है
कि आप अपना बैलेंस डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना बैलेंस जो है वो इसमें ऐड कैसे करवा सकते हैं। तो ये आप ऊपर ऊपर देख लें, 1xBet लिखा हुआ है और उसके साथ 0RE लिखा हुआ है, साथ में ग्रीन कलर में प्लस का निशान लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये अकाउंट डिपॉजिट्स की जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल में नेट का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ये टाइम ओपन होने में जो है वो टाइम ले रही है। दोबारा एक दफा ऑप्शन में डालते हैं और मेरे ख्याल में मेरे पास नेट जो है वो 3G आ रहा है, इस वजह से जो है ये ऐप ओपन होने में मसला कर रही है। और हाँ, ये इसके साथ ये आपको बताता चलूं, ये ऐप इस पे ये मसला भी करती है कि यहाँ पे अक्सर जो है वो नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, ये अकाउंट डिपॉजिट्स का ओपन ऑप्शन आ गया है। ये देखें, आप नीचे कैश माल से जो है पे कर सकते हैं, जैस कैश ऑटो से कर सकते हैं, इजी पैसा फास्ट से कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है वो लिखे हुए हैं। हमारे पास जो सारे पाकिस्तान में जैस कैश और इजी पैसा ज्यादा चल रहा है और ये बाकी सारे जो है ऑप्शन नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जैस कैश और इजी पैसा हर बंदा यूज कर रहा है। तो ये इजी पैसा पे आप क्लिक करेंगे तो इन्होंने जी ये नंबर दिया हुआ है, इजी पैसा वॉलेट नंबर, और इजी पैसा वॉलेट नंबर आपने यहाँ से जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करके इजी पैसा में जाके आपने जो मिनिमम अमाउंट है इसमें 300 आपने शेयर करनी है, और फिर आप जब वो शेयर करेंगे तो एक आपको पता है इजी पैसा ऐप से एक जो फोटो क्रिएट होती है वो आपने सेव कर लेनी है अपने पास, और इजी पैसा वैलेट नंबर आके देना है यहाँ पे आपका कौन सा नंबर है जिससे आपने शेयर किए हैं, और फिर आपका नेम क्या है जो जिस नंबर के अगेंस्ट आपका नेम है वो है, फिर आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, और फिर यहाँ पे 11 डिजिट का जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो करना है, और उसके बाद आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद जो है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे पेमेंट कंफर्म का जो है वो ऑप्शन दे देगा, और उसके आप उन्हें परेशान नहीं होना, तब भी आपका बैलेंस जो है वो 0 रुपए ही रहेगा, लेकिन ये 15 से 20 मिनट या 1 घंटे तक का टाइम लेते हैं 1xBet वाले, और उसके बाद आपके अकाउंट में जो है वो आपकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। और परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसमें 100 रुपए भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा मसला है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि ये मुझे एक स्कैम ऐप लगती है, और क्योंकि इसमें जो न्यू यूजर हैं वो सिर्फ अपना पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी गेम नहीं है, कोई ऐसे ट्रिक नहीं है। यहाँ पे दूसरी ऐप हैं जैसे बेट प्रो है, वहाँ पे आप विन पे भी लगा सकते थे और लॉस्ट पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे सिर्फ आप विन पे पैसे लगा सकते हैं, और जब भी आप लगाएंगे तो उस वक्त ये कुछ कर रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, फिर बीच में एक ऐसी बेट लगती है जिससे आपका सारा का सारा कैश चला जाता है। अगर आप कहें तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ हिस्ट्री में, और ये हिस्ट्री मेरी जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ इन्होंने कितने जो है वो बेट किए हुए हैं। ये देखें, मैंने ये सारी हिस्ट्री खेली हुई है इसके साथ, पिछले 4-5 दिनों से इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये देखें, लॉस्ट 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 लॉस्ट, ये सिर्फ 8 रुपए की बेट लगी थी और 8 रुपए ही वापस आने थे, तो ये एक वापस आई थी मेरे पास बेट, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, और ये आई जी एक बेट मैंने लगाई थी 8 रुपए की, और इसके अगेंस्ट मुझे 9.36 रुपए मिलने थे, और वो जो है मुझे मिले थे। ये एक बेट लगी हुई है, एक्सेप्टेड है, अब इसका नो आइडिया कब रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट के बाद जो है ये पता चलेगा कि ये बेट लॉस्ट है या विन है। और दोस्तों, ये जो है इसका सारा अमल है, तो मैं इसके लिए जो है
आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना करें डाउनलोड, और इससे आप अपने पैसों का ज़िया ना करें, आप अपने यही पैसे किसी और अच्छे नेक काम में इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल में ये ऐप स्कैम है, और क्योंकि अगर ये ऑथेंटिक होती तो गूगल प्ले स्टोर इसे अपने पास ज़रूर प्लेस देता और ये ज़रूर उसके पास काम कर रही होती। तो इस वजह से बाकी साथियों की अपनी मर्जी है, हर बंदे का अपने फीलिंग्स हैं और हर बंदे के अपने खेलने का अंदाज है। हो सकता है मुझे खेलने का अंदाज ना आ रहा हो और लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हों, अगर वो खेलना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। इसी के साथ मेरे दोस्तों इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।